Good evening friends, I Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी का लिखा हुआ उपन्यास रिटर्न ऑफ नेटिव. जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं रिटर्न ऑफ नेटिव, एक नेटिव का अपने देश लौट आना, मतलब अपने देश को लौट आना. यहाँ पर ये जो कहानी है ये थॉमस हार्डी के लिखे हुए उपन्यास है और जैसा कि आप जानते हैं कि थॉमस हार्डी जो हैं वो पैसिमिस्टिक एक उपन्यासकार हैं, वो निराशावादी उपन्यासकार हैं. थॉमस हार्डी का चाहे आप द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज देख लीजिए, टेस्ट ऑफ डर्वर बाइल्स देख लीजिए, जूड द ऑब्स्क्यूर देख लीजिए या फिर रिटर्न ऑफ नेटिव की हम बात कर लें, कोई भी उपन्यास हम उठा लें तो उसमें निराशा दिखाई पड़ती है. इनका जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो मुख्य किरदार होता है, उसको ये हार्डी इस तरह से नहीं दर्शाते जैसे आपने देखा हो अक्सर कि शेक्सपियर के नाटकों में क्या होता है. शेक्सपियर के नाटकों में जो है ना हीरो मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो एक अपर क्लास का व्यक्ति होता है. जबकि अगर जो हम यहाँ पर देखें हार्डी के उपन्यासों में देखें तो उनका जो कैरेक्टर होता है वो एक बिल्कुल निचले स्तर का होता है, डाउन टू अर्थ होता है. तो इस तरह का जो कैरेक्टर है, जो उनका प्रोटैगोनिस्ट है, वो इस प्रकार का दिखाई पड़ता है. अब हम बात करते हैं इस उपन्यास की रिटर्न ऑफ नेटिव की. दोस्तों इसकी कहानी को समझने से पहले आपको इसके किरदारों से रूबरू होना बहुत जरूरी है. तो लेट्स इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स इन रिटर्न ऑफ नेटिव. द वेरी फर्स्ट वन, जो पहला कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है क्लिम योब्राइट. अब ये क्लिम योब्राइट कौन है? दोस्तों ये जो क्लिम योब्राइट है इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, ये इस कहानी का मुख्य हीरो है. ये जो क्लिम योब्राइट है ये मिसेस योब्राइट का बेटा है और इसके अलावा थॉमसन योब्राइट का ये कज़िन है. और दोस्तों ये जो है ये एक डायमंड मर्चेंट के रूप में काम करता है पेरिस में, लेकिन उसका जो मोह है वो अपने देश से, अपने गांव से ज़्यादा हो चुका है, तो इस वजह से वो यहाँ पर अपने गांव लौट आता है, जिसको एग्डन हीथ के नाम से दर्शाया गया है. दूसरा करेक्टर हमारे सामने आता है डिगोरी वैन. ये डिगोरी वैन कौन है? दोस्तों ये एक रिडल मैन है और ये व्यक्ति क्या करता है, ये गेरू विक्रेता है और ये इसी वजह से इसका काम है कि गेरू को बेचना, लोगों के बीच तक पहुंचाना. और यही कारण है कि इसका जो रंग है ना वो भी उसमें रंगा होता है, क्योंकि ये जो भेड़ बकरियां होती हैं वहाँ पर उनको डाई कराने के लिए भी ये काम करता है. तो ये जो व्यक्ति है डिगोरी वैन, ये इस प्रकार का व्यक्ति है. दूसरा नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आता है यूस्टेशिया. यूस्टेशिया वाई का करेक्टर. ये यूस्टेशिया वाई जो है ये कौन है, जिसको हम यूस्टेशिया योब्राइट के नाम से भी आगे चलकर जानते हैं. यूस्टेशिया वाई जो थी ये एग्डन हीथ में आके बसे थे, ये बडमाउथ से आए हुए थे. इनके जो ग्रैंडफादर थे वो अब वहाँ पर सेटल हो चुके थे और वो यहाँ पर जो है, जो यूस्टेशिया है वो हीथ की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहती है और वो कहीं विदेश में जाना चाहती है. स्पेशली उसका मन है कि वो पेरिस जाए. नेक्स्ट हमारे बीच में आता है डैमन वेल्डी. ये डैमन वेल्डीव कौन है? दोस्तों ये जो डैमन वेल्डीव है ये एक लोकल इनकीपर है, ठीक है. ये एक जो व्यक्ति है ये इसका जो है ना एक बार है, वहाँ पर ये अपने बार को चलाता है. और डैमन को हम लेडी किलर के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा स्त्रियों से आकर्षित होता है और उनको भी अपनी तरफ प्रभावित करता है. तो यहाँ पर जो थ्रू आउट द नॉवल हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन सभी फीमेल कैरेक्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है थॉमसन योब्राइट. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्लिम योब्राइट की जो है ये कज़िन है और इसके अलावा मिसिज योब्राइट की नीज है और वार्ड है. मिसिज योब्राइट क्लिम योब्राइट की मदर हैं और थॉमसन की चाची हैं. कैप्टन वाई जो हैं ये यूस्टेशिया के ग्रैंडफादर हैं. चार्ली जो है एक रस्टी कैरेक्टर है यहाँ पर और इसके अलावा लोकल लेबरर्स हैं जो कि इस कहानी में हैं. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इसकी ये कहानी रिटर्न ऑफ नेटिव बाय थॉमस हार्डी. ये कहानी हीथ से स्टार्ट होती है. हीथ जो है एक सुनसान रेगिस्तान जगह है और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हार्डी के उपन्यासों में वेसेक्स का जिक्र आता है, तो यहाँ पर जो उसने लोकल एरिया लिया है हार्डी ने, ये है आपका हीथ. एग्डन हीथ के नाम से इसको जाना गया है. दोस्तों हीथ को ऐसा दिखाया गया है, एक मरुस्थल के रूप में दर्शाया गया है. वहाँ पर बहुत शांति है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई पड़ता और एक शांत विलेज के रूप में प्रकृति से भरा हुआ एक वातावरण वहाँ पर देखा जा सकता है जो कि प्रकृति की शांति को दर्शाता है. तो वो इस जो एरिया है वो है एग्डन हीथ. और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर डिगोरी वैन, जैसा कि मैंने आपको बताया रिडल मैन, ये एक गाड़ी को धक्का दे रहा है, एक
क्योंकि वो गाड़ी शायद वो ख़राब हो चुकी है, तो उस गाड़ी को ये धक्का दे रहा होता है डिगोरी वैन। और उस गाड़ी में अंदर दो लोग होते हैं, एक तो है विल्डीव और दूसरी है उसमें थॉमसन। विल्डीव और थॉमसन है, और थॉमसन जो है वो एक बेहोशी की अवस्था में गाड़ी में पड़ी हुई है। यहाँ पर विल्डीव जो है वो मिसेस योब्राइट का जो पता पूछता है डिगोरी वैन से, और वो डिगोरी वैन रिडल मैन उसको बताता है कि मिसेस योब्राइट वहाँ पर रहती हैं। मिसेस योब्राइट को वो उस ऊँचे स्थान पर जहाँ पर वो रहती थी उस पर विल्डीव जो है थॉमसन के साथ वहाँ पर चला जाता है। थॉमसन को उदास देखकर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिसेस योब्राइट की जो ये जो भतीजी थी, जो ये थॉमसन थी, थॉमसन को उदास देखकर वो मिसेस योब्राइट उससे उसका कारण पूछती हैं कि उसकी उदासी का कारण क्या है, वो क्यों इतना परेशान है। तो यहाँ पर थॉमसन ये बताती है कि उनकी जो शादी थी, विल्डीव और थॉमसन की जो शादी थी वो नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ जो आप जानते हैं जैसे कि दोस्तों कि जब हम एक लीगल मैरिज करते हैं, एक कोर्ट मैरिज करते हैं, तो वहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो बताती कुछ कागजात की कुछ कमी रह गई थी, इस वजह से उनकी जो शादी है वो नहीं हो पाई। और दोस्तों ये कारण तो एक फैक्ट है इसमें, लेकिन जो इसका दूसरा मेजर कारण है वो ये है कि विल्डीव जो है वो इस समय उसका मन किसी और पे आ गया है। और किसी और पे क्या, इस कहानी की जो नायिका है जिसका नाम है यूस्टेशिया वाई, उसके ऊपर उसका मन आ चुका है, और इसी कारण से उसने अपने जो मैरिज है उसको टाला है थॉमसन के साथ, अपने जो उससे मैरिज करने वाला था वो, तो उसने उसको टाल दिया एक तरह से। तो ये केवल एक एक्सक्यूज़ हो रहा है कि उसके मतलब डॉक्यूमेंटेशन में कमी आ गई थी, ये चाल है विल्डीव की। तो वो बताती है कि उसके डॉक्यूमेंटेशन में कमी आई तो इस वजह से शादी नहीं हो पाई। तो इस पर मिसेस योब्राइट जो है थॉमसन को गले से लगा लेती है और कहती है मेरी प्यारी बच्ची तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की तो बात है और ये तो आगे भी हो जाएगा, तो तुम चिंता मत करो जल्दी तुम्हारी शादी होगी। इसी बीच में विल्डीव जो है, क्योंकि अब क्या होता है उसकी उससे शादी टूट चुकी है, विल्डीव जो है यहाँ पर जो वहाँ पर एक यूस्टेशिया वाई नाम की लड़की है, तो यूस्टेशिया वाई की तरफ आकर्षित होता है। यूस्टेशिया वाई से जो है मतलब अपने प्यार को बढ़ाने की कोशिश करता है। यूस्टेशिया वाई भी विल्डीव की तरफ प्रभावित होती है और दोनों एक साथ जो है यहाँ पर जो है उठना बैठना स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा वो एक प्रेम भरा समय भी एक साथ व्यतीत करते हैं। दोनों एक साथ जो है वो वहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, और एक लव लाइफ वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी, उसको स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो बेचारा डिगोरी वैन था, डिगोरी वैन जो है वो थॉमसन को प्यार करता है, लेकिन वो जब वो देखता है कि विल्डीव जो है उसे शादी करने वाला था, तो इस बात को लेकर वो बिल्कुल शांत रह जाता है, वो अपनी भावनाओं को जागृत नहीं कर पाता है। ये दृश्य होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन यूस्टेशिया जो है वो मिसेस योब्राइट के पास जाती है, मिसेस योब्राइट के घर जाती है। जब मिसेस योब्राइट के पास वो जाती है तो मिसेस योब्राइट यूस्टेशिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो मिस यूस्टेशिया है ना, ये उनके लेवल की लड़की नहीं है। क्योंकि एक तो उसका वैसे सुंदर थी यूस्टेशिया, देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन जो गांव के लोग थे और वो स्पेशली उसको विच कहा करते थे। विच क्यों कहा करते थे, क्योंकि उसकी जो बातें करने का जो तरीका था, उसका जो प्रेजेंटेशन वे था, वो कुछ इसी तरह का था। वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, भद्दा था, रस्टिक था, तो वो रफ टॉक किया करती थी, तो इस वजह से उसको विच का नाम भी दिया गया। तो और उसको वो पसंद नहीं था, उसको फैमिली बैकग्राउंड उसका पसंद नहीं था, तो इस वजह से मिसेज योब्राइट उससे नफरत करती हैं। और वो मिसेस योब्राइट जो है उसको बताती हैं, यूस्टेशिया को प्रभावित करने के लिए बताती हैं, मतलब अपनी एक शान दिखाने के लिए, अपना एक स्नोबेरी दिखाने के लिए वो कहती हैं, तुम्हें पता है मेरा जो बेटा है क्लिम योब्राइट वो पेरिस गया हुआ है, और पेरिस में वो एक व्यापारी है, हीरो का व्यापार वो करता है। और तो इस पर यूस्टेशिया कहती है कि मैं भी एक दिन पेरिस जाना चाहती हूँ, मुझे भी पेरिस जाना है। तो इस पर मिसेस योब्राइट जो है कमेंट करती हैं कि तुम जैसी लड़की पेरिस के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो यूस्टेशिया उसको चैलेंज करती है, नहीं मैं तुम्हें पेरिस जरूर जाकर दिखाऊंगी, एक दिन मैं पेरिस अवश्य जाऊंगी। ये बात यूस्टेशिया जो है उनसे कह देती है, मिसेस योब्राइट से ये बात वो कहती है। इस पर आगे क्या होता है दोस्तों, वो ये चैलेंज कर चुकी होती है। अब एक दिन क्या होता है कि यूस्टेशिया वहां पर हीत में एक बड़ी सी गाड़ी देखती है, उस गाड़ी को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, उस गाड़ी के पास जाती है, और गाड़ी में से एक
हैंडसम युवक वो निकलता है। यूस्टेशिया उससे बातें करती है। यूस्टेशिया जब उस व्यक्ति से बात कर रही होती है तो उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बताता है कि वो क्लीमियो ब्राइट है और वो पेरिस से आया हुआ है और अपने जो है राष्ट्र आया हुआ है। तो वो कहती है कि मेरी भी इच्छा है, मैं भी एक दिन पेरिस जाना चाहती हूँ। तो क्लिम उस पर कहता है क्यों नहीं, तुम जरूर पेरिस जाओगी और तुमको पेरिस मैं लेकर जाऊँगा। वो इस बात को उससे कहता है कि वो उसको पेरिस लेकर जाएगा। इसी बीच में अब दृश्य में परिवर्तन होता है दोस्तों, हमें दूसरा दृश्य दिखाई पड़ता है। दूसरा दृश्य क्या कि क्लिम और यूस्टेशिया एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। उधर विल्डीव जो है, जो विल्डीव है वो यहाँ पर हमें पता चलता है कि विल्डीव फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ को देखकर, जेलस है इस चीज़ को देखकर कि वो जो है यूस्टेशिया जिससे वो प्यार करता है वो क्लिम के नज़दीक आ रही है। और दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और उधर जो डिगोरी वैन है उसका हमें पता चलता है कि डिगोरी वैन जो है वो थॉमसन से शादी कर लेता है। तो ये मतलब इस तरह की कहानियाँ यहाँ पर बनती हैं, इस तरह के एक किरदार में कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट होती हैं। इसी बीच में क्या होता है, इनका प्यार इतना परवान चढ़ता है, क्लिम और यूस्टेशिया का जो प्यार है वो इतना परवान चढ़ता है कि ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इस बात की खबर मिसेस योब्राइट पर जाती है। मिसेस योब्राइट इस रिश्ते को बिल्कुल ठुकरा देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वो एक बात और रखती हैं क्लिम के सामने कि या तो तुम मुझे चूज़ करोगे या फिर इस लड़की को चूज़ करोगे। तो क्लिम जो है वो यूस्टेशिया को ही चूज़ करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्यार में जो है प्यार अंधा होता है और इस अंधेपन में व्यक्ति जो है अपने प्यार को ही यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ पर क्लिम भी ऐसा ही करता है। क्लिम अपने प्यार को इम्पोर्टेंस देता है और अपनी माँ को जो है अपनी माँ की बात को ठुकरा देता है। और वो एक किराए के घर पर जाकर सेटल हो जाते हैं। वहाँ पर वो रहने लगते हैं एज ए मैरिड कपल। वो स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर रहना। और इस बीच में जब वो रहना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी दोस्तों, उसने कहा था यूस्टेशिया ने कि वो पेरिस जाना चाहती है, क्लिम उसको पेरिस लेकर जाए। अब जब उनकी शादी हो जाती है, वो एक साथ रहना चालू कर देते हैं, तो वो यूस्टेशिया क्लिम से कहती है कि तुम तो मुझसे कह रहे थे कि पेरिस लेकर जाओगे और लेकिन तुम तो अभी तक भी मुझे पेरिस लेकर नहीं गए हो। तो क्लिम यहाँ पर उससे कहता है कि हाँ ठीक है, हम चलेंगे जल्दी ही। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक भी वो पेरिस लेकर उसको नहीं गया है। और उधर जो है यहाँ पर विल्डीव जो है, विल्डीव की एंट्री होती है यूस्टेशिया की लाइफ में दोबारा से। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनकी लाइफ में देखने को हमें मिलेगा। तो विल्डीव जो है जब यूस्टेशिया को दुखी देखता है तो वो एक दिन यूस्टेशिया के पास आता है, पूछता है कि क्या कारण है उसका दुखी होने का। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे क्लिम जो है वो मुझे पेरिस लेकर नहीं गया, वो पेरिस लेने का ले जाने का उसने वादा किया था लेकिन वो मुझे पेरिस लेकर नहीं गया। इस पर विल्डीव उसको जो है विश्वास दिलाता है कि वो उसको पेरिस जरूर लेकर जाएगा। मैं लेकर मतलब अपने लिए कहता है कि मैं तुम्हें पेरिस जरूर लेकर जाऊंगा। अब यहाँ से उनकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होता है। दोनों एक साथ मिलना जुलना चालू कर देते हैं, ये आपस में खूब मिलते हैं। लेकिन एक दिन यूस्टेशिया कहती है कि गांव में ये बात जो है दूसरों तक पहुंच न जाए, क्योंकि हीथ है, छोटा सा स्थान है, तो उसको लगता है कि लोगों को ये बात पता चल गई तो उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन वो कहती है उससे कि अब वो ना मिले। तो अब विल्डीव जो है काफ़ी दिनों तक यूस्टेशिया से नहीं मिलता है। लेकिन प्यार में इंसान पर नियंत्रण नहीं होता, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो विल्डीव के साथ भी ऐसा ही होता है, एक दिन वो अपने पैशंस को रोक नहीं पाता है और वह भरे दोपहरी में यूस्टेशिया से मिलने के लिए चला जाता है। और यूस्टेशिया जो कि इस समय अपने घर में थी, वो उसके दरवाजे को खटखटाता है। और दोस्तों ये घटना बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका इंसिडेंट है दोस्तों, इस कहानी की मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है ये, कि जब इसको नाम दिया गया है क्लोज्ड डोर इंसिडेंट, बंद दरवाजे वाली घटना। ये बंद दरवाजे वाली घटना क्या होती है कि इसमें जब वो दरवाजे को खटखटाता है विल्डीव, तो उस समय यूस्टेशिया आती है। यूस्टेशिया घबरा जाती है विल्डीव को वहाँ पर देखकर, लेकिन वो कहती है कि क्लिम इस समय सोया हुआ है और वो विल्डीव को अंदर बुला लेती है। जो क्लिम योब्राइट है वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, उसको ये नहीं पता था कि अंदर जो है उसकी दुनिया लुटने वाली है। तो इस तरह की मतलब वो गहरी नींद में सोया हुआ था क्लिम, उसको यही नहीं पता था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उधर विल्डीव और ये यूस्टेशिया जो है ये अपने प्रेम में मग्न होते हैं। उधर दृश्य में परिवर्तन होता है। दृश्य में परिवर्तन ये होता है कि मिसेस योब्राइट को लगता है
कि अब मुझे अपने बेटे को जो है ना उसकी बात को मान लेना चाहिए और अपनी बहू को अपना लेना चाहिए, अब मुझे यूस्टेशिया को अपना लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं। और यहाँ पर यूस्टेशिया जो है, मतलब जो मिसिज योब्राइट है, वो उनके घर पर पहुँच जाती हैं। जब उनके घर पर वो पहुँचती हैं तो वहाँ पर वो दरवाज़ा खटखटाती हैं। जब वो दरवाज़ा खटखटाती हैं तो विल्डीव जो है ऊपर की तरफ से उसे देखने आता है। तो विल्डीव को जो मिसिज योब्राइट हैं वो देख लेती हैं। जब वो विल्डीव को देख लेती हैं तो वो सारी जो है कल्पनाएं कर लेती हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और बहुत ज़्यादा जो है सदमे में चली जाती हैं। और वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं, वहाँ पर जहाँ पर वो थकी हुई सदमे में, बहुत गहरे सदमे में शॉक्ड थी इस घटना को देखकर, वहाँ पर उनको एक सांप काट लेता और वो मर जाती हैं। उसी बीच में हमें पता चलता है कि एक रस्टिक कैरेक्टर जो इस कहानी में है, वो उसको क्लिम को ये सारी घटनाओं के बारे में बताता है, और वो बताता है कि किस प्रकार से विल्डीव उसके घर पर आया था। अब क्लिम जो है वो सीधा सीधा आरोप यूस्टेशिया पे लगा देता है। यूस्टेशिया से कहता है कि मेरी माँ की मृत्यु जो है ना वो नेचुरल नहीं हुई है, बल्कि वो तो एक मर्डर है, वो एक इसकी मृत्यु का जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि ना ऐसा होता, ठीक है, तो ना वो वापस जाती और ना ही ये घटना घटित होती, तो उसका जिम्मेदार वो उसको ठहरा देता है और वो उसको घर से बेदखल कर देता है। इसी बीच में विल्डीव आता है। विल्डीव यूस्टेशिया से कहता है कि मैं तुम्हें पेरिस लेकर चलूँगा। विल्डीव उसको पेरिस ले जाने के लिए निकल पड़ता है यूस्टेशिया को, और यूस्टेशिया को जब वो मतलब पेरिस ले जा रहा होता है, मतलब अपने वहाँ से हीथ से निकल रहे होते हैं, तो उसी बीच में एक बहुत ज़्यादा तूफान आता है। और ये जो तूफान आता है, ये इस तूफान में जो यूस्टेशिया है वो बह जाती है, और यूस्टेशिया को बचाने की कोशिश करता है विल्डीव। विल्डीव भी उस मतलब वो है वहाँ पर बह जाता है, और इसी बीच में जो डिगोरी वैन जो है वो उन सभी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब उनको जब तक बचाने की कोशिश करता है वो बहुत देर हो चुकी होती है, तो उसको केवल डेड बॉडीज उनकी हाथ लगती हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो यूस्टेशिया है और विल्डीव है दोनों मर चुके होते हैं, और जो क्लिम योब्राइट है वो जीवित होता है, थॉमसन जीवित रहती है, ठीक है, और इसके अलावा डिगोरी वैन जीवित रहता है। तो ये लोग यहाँ पर मतलब जिंदा हैं, और यहाँ पर डिगोरी वैन और थॉमसन जो है वो एक साथ रहना स्टार्ट ही कर लेते हैं। और दूसरी भी बात ये आती है कि जो क्लिम है वो क्या बनता है, क्लिम एक उपदेशक बन जाता है, क्योंकि उसने उसकी इच्छा क्या थी, वो एक स्कूल खोलना चाहता था, क्लिम हीथ में एक स्कूल खोलना चाहता था, वहाँ पर शिक्षा देना चाहता था, और वो यूस्टेशिया से भी ये चाहता था कि वो उस काम में उसका हाथ बटाए। लेकिन यूस्टेशिया की इच्छा कुछ और थी, यूस्टेशिया की महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा थी, यूस्टेशिया पेरिस जाना चाहती थी, और फाइनली वो मृत्यु को का शिकार हो जाती है और वो मर जाती है। और जो क्लिम है वो एक उपदेशक बन जाता है, घुमक्कड़ उपदेशक, और उसकी बातों पर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, मतलब उसको कोई सीरियस नहीं लेता है क्लिम को। उधर डिगोरी वैन और थॉमसन जो है वो खुशी खुशी रहना स्टार्ट कर देते हैं एक साथ। तो दोस्तों ये थी कहानी रिटर्न ऑफ नेटिव बाय थॉमस हार्डी की लिखी हुई कहानी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि निराशावाद के उपन्यास होते हैं, तो ये भी कहानी निराशा से भरी हुई थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, या फिर मेरी जो लिटरेचर का जो सेक्शन है, या ग्रामर का सेक्शन है, या फिर मैं सीटेट और यूपीटेट से जुड़े हुए जो टॉपिक्स आपको कवर करा रहा हूँ वो दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हों, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।